Wow. हेलो गाइस, आई होप आप सभी लोग खैरियत में होंगे। वैसे हर बार की तरह वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। दुनिया में वैसे दो तरीके के लोग होते हैं। पहला वो जो समुंदरों की लहरों को बहता हुआ देख के जिनका डोपामिन लेवल बढ़ जाता है, और दूसरा वो ये बेटर है ना, और दूसरा वो जो पहाड़ों के बीच में जाके वहाँ की ठंडी ठंडी हवा महसूस करता है और उसी से उसको मोहब्बत हो जाती है। और जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, मेरा रोमांस दोनों के साथ बहुत ही अच्छा चलता है। इसलिए हमने आपको दिखाया था, हम पिछली बार कैपेरिंगा गए थे जो थोड़ी ऊंचाई पे गिना जाता है, वहाँ पे हमने सनराइज देखा था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो ख़त्म कर लो, उसके बाद मेरी चैनल पे जाओ, वो वीडियो ज़रूर देखो, सच में बहुत ही अच्छी है। तो बात करते हैं इस वीडियो की। तो हम जा रहे हैं आज स्पिरिट बे पे। तो स्पिरिट बे में खास है क्या? ऑब्वियसली बे है तो ओशन तो होगा ही, यस। और दूसरी चीज है वहाँ का नेचर, जो बिल्कुल हमारी एक्स की तरह है, कभी भी बदल जाता है। और तीसरी भी चीज खास है, मेरी वीडियोग्राफी। पिछली बार मैंने आपको एक बीरोल दिखाया था जो आप सभी लोगों ने बहुत बहुत अप्रिशिएट किया था, थैंक यू फॉर दैट। तो इस वीडियो में भी मैंने एक बीरोल खींचा है, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट एनी इंटरप्ट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर जर्नी। सो काम डाउन, रिलैक्स योर माइंड, वी आर गोइंग टू लैंड इन अ ब्यूटीफुल वर्चुअल ट्रैवल जर्नी। इतने करीब से एक्सीडेंट होने, ऐसा लग रहा है कि मॉर्निंग जॉगिंग में निकले हैं। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन द वर्ल्ड, कैपरिंगा। नेक्स्ट डे में हम जा रहे हैं स्पिरिट बे। यहाँ से हमारा स्पिरिट बे 30 किलोमीटर दूर है, हम 20 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो ट्राई तो मैंने बहुत ही हार्ड किया था 30 किलोमीटर 20 मिनट में काटने के लिए, पर एकदम से ही वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए और इतना गंदा रोड आ गया। ओ माय गॉड, मेरी गाड़ी 30 के ऊपर ना जाए। और मॉर्निंग के 3 बजे से जगने के कारण रूपांग इतनी थक गई थी, इतनी गंदी सड़क पे भी उसको नींद आ गई थी। और उसकी नींद खराब ना हो उसकी वजह से मैं और संभाल के चला रहा था। तो ऐसे ही धीरे धीरे कछुए की स्पीड पे गाड़ी चलाते चलाते हम स्पिरिट बे के नजदीक पहुंच गए। 30 किलोमीटर का रास्ता था और 20 मिनट में हमें खत्म करना था, और हमने 1 घंटे में खत्म किया है बिकॉज ऑफ द स्टूपिड रोड। सनस्क्रीन लगा ले हम, क्योंकि धूप बहुत हो रही है अभी और हमारी मेकअप काली ना पड़ जाए, सनबर्न ना हो जाए हमें। सो स्पिरिट बे में जाने के लिए यहाँ से एक ट्रैक है, और हमने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, हमने स्लीपर पहन ली है क्योंकि बीच पे अगर आप शूज पहनते हो तो अच्छे से चल नहीं पाते हो। यहाँ पे ठंड लग रही है, तो यहाँ पे वेदर बहुत ही जल्दी चेंज हो जाता है। एक बीज हमें नचा रही है, सच्ची बात बताऊँ स्लीपर में चलना बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है, स्लीपर निकाल ही देते, मैं निकाल देता हूँ। और अब नंगे पैरों पे, ये अच्छा लग रहा है। एंड वाओ बीच। हस्बैंड कैसे फोटो खींचाते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ओके।
बताता हूँ कि रूपांगी कैसे फोटो खिंचवाती है। तो अभी हम वापस जा रहे हैं कैंप साइट पे। हम मॉर्निंग में 3 बजे से जग रहे हैं, रास्ता भी बहुत ही खराब था, अब थकान महसूस हो रही है, तो वापस जा रहे हैं कैंप साइट पे। वहाँ पे थोड़ा आराम करेंगे, सो जाएंगे, थोड़ी देर खाना खाएंगे और उसके बाद वापस आएंगे। और उसके बाद कहाँ पे जाना है रुकेंगे? सैंड ड्यून्स। हाँ, सैंड ड्यून्स पे जाना है और फिर हम सनसेट देखने जाएंगे, क्योंकि मुझे बड़ी इच्छा थी कि मैं सनराइज और सनसेट देखूं। एक दिन पूरा स्पेंड कर रहे हैं तो फिर देख लेते हैं। नहीं, वैसे वो वर्थ इट है। अब कहते रहेंगे हमें आए और सनराइज और सनसेट। और यहाँ पे एक बात बड़ी अच्छी है कि ये इंटरनेट पे पता चलता है कि सनराइज कितने बजे होगा और सनसेट कितने बजे होगा, और ये हर रोज का आता है। Okay guys, then see you sometime.